कल मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया था। एक बार जल्दी से रिवीजन कराते हो, आगे बढ़ता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से लिखते हैं इसको। ये एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी अपॉन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी क्या होती है? जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में एम। एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिखा? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हम जी से लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन माइनस क्यू डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन क्या हुआ? डिपेंड्स अपॉन किसके किसके पर डिपेंड करता है भैया? तो ये ध्यान रखना भैया, डिपेंड करता है प्लैनेट के मास पे। मास ऑफ प्लैनेट और दूसरा रेडियस ऑफ प्लैनेट, तीसरा डेंसिटी ऑफ प्लैनेट प्लैनेट ठीक है भैया, समझ गया? तो जिस प्लेनेट की ये सारी चीजें अलग होंगी, तो उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन पहला है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ की शेप की वजह से इसके अंदर वेरिएशन आता है। आपको पता भी है हमारी कैसी शेप की है? ओवल शेप की, तो ज्यादा ओवल बना दिया, ऐसा ओवल शेप होती है। रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ पोल, मास क्या है? एम है, ठीक है। तो एज ठीक है, वी नो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होती है वो रेडियस ऑफ पोल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर भी क्या होगा? रेडियस ऑफ पोल के स्क्वायर से ज्यादा होगा। उल्टा कर दीजिए तो इनक्वालिटी अपने साइन को क्या करेगी? चेंज कर देगी, और ये जो आएगा अब ये कुछ इनक्वालिटी ऐसे हो जाएगी। अब दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया? दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जी कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम से मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जी कैपिटल एम अपॉन में क्या हुआ? रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर लेस देन जी कैपिटल एम रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। ये क्या होता है भैया? ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, ठीक है, यहां से प्रूफ हो गया। दूसरा आता है ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्थ। यहां पर कुछ एजम्पशन आपको लेके चलनी है कि ये मान के चलना है कि अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी हर जगह पर क्या है? सेम है। एक्चुअल में सेम नहीं होती, सबसे कम डेंसिटी जो होती है वहां पर होती है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, सरफेस। जैसे जैसे आप नीचे आओगे मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, कोर पे चले आओगे तो वहां पर कोर पे आपको निकिल और वो आयरन ही मिलेगी और मेटल मिलेगी, मतलब वहां की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते भैया कि एजम्पशन क्या है, एजम्पशन क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? कॉन्स्टेंट हो, ये बदलती नहीं, ठीक है। ये अज्यूम करके आपको चलना, ये अर्थ है, आप ए पॉइंट पर थे, ठीक है। ए पॉइंट कहां पर है? सरफेस पर है, क्या है? और रेडियस क्या? आर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो सबको पता है जी ए इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहां पर एम क्या है? मास ऑफ बिगर स्फीयर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक है, ये हो गया।
और आपको बता दूं कि मास जो, ये डेंसिटी कांस्टेंट है ठीक है, मास जो होता है अगर आपको केमिस्ट्री में आता है, तो वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी भी होता है आर स्क्वायर ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए क्या हुआ जी, वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी अपॉन में नीचे क्या आर स्क्वायर, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए क्या आ गया 4/3 पाई जी आर, और ये रो हो गया। अच्छा कई बार ये भी बोलता है कि शो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो आपको पता है यहाँ पर जी जो है वो डेंसिटी के क्या आ रहा है डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ से प्रूफ हो गया ठीक है। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन ठीक है। अब आते भी हम जाते हैं इसकी डी डेप्थ में ठीक है, मैं डी डेप्थ में आ गया। डी डेप्थ नीचे आ गया है ना, नीचे आ गया ठीक। तो इस छोटे वाले स्फेयर की रेडियस क्या होगी आर माइनस ठीक है, डी डेप्थ नीचे आ गया मैं ठीक है। तो आपको बता दूं जो पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी इस पूरे स्फेयर की वजह से, आप जितना नीचे आ जाओगे तो नीचे से जो बनेगा स्फेयर उसकी वजह से आपके ऊपर क्या लगेगी ग्रेविटी लगेगी, समझ गया भैया। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो छोटे वाले स्फेयर की वजह से होगा ठीक है, बट जब आप बड़े वाले स्फेयर की सरफेस पर खड़े रहोगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, इसकी ग्रेविटी पे। जब आप छोटे यहां पर आ जाओगे तो छोटे वाले स्फीयर की सरफेस पर खड़े रहोगे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, समझ गया। चलो तो अब आते हैं भैया हम एट पॉइंट बी, यहां पर बी बना लेते हैं, ये है आपका बी पॉइंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी जी मास एम डैश कर दो और रेडियस आर डैश कर दो ऐसा ठीक है भैया। एम डैश क्या है, एम डैश क्या है मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर, जो छोटा वाला स्फीयर है उसका मास है, और आर डैश क्या है रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पीयर, और आर डैश की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आएगा आर माइनस डी के बराबर आएगा ठीक है। छोटे वाले स्पीयर की रेडियस क्या आर माइनस डी पे है ना, चलिए तो जी भी क्या आएगा जी, ये क्या होगा वॉल्यूम बी डैश, डेंसिटी वही रहेगी और आर माइनस डी का होल स्क्वायर होगा आर डैश के। अच्छा जी वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, छोटे वाले की रेडियस क्या है आर माइनस डी का होल क्यूब, डेंसिटी वही है और नीचे का आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये और ये क्या कैंसिल होगा। तो जीबी की वैल्यू क्या आ गई 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में क्या वारू हो गया, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। हमने क्या कर दिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर की बताइए ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन आपकी तो जी बी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू में 4/3 पाई जी आर माइनस डी अब इंटू में रो, और नीचे वाली क्या थी 4/3 पाई जी और आर और क्या था रो, ये और ये कैंसिल हो गया ठीक है। तब आ गया आपका जी बी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए इसके बराबर आ रहा है आर माइनस डी अपॉन में आर। आपको पता भी है भैया ए पॉइंट जो सरफेस पे, और सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी के बराबर होती है, तो जी बी इक्वल अपॉन में जी इक्वल्स टू में आर माइनस डी अपॉन में क्या हो गया आर, तो जी बी की वैल्यू क्या होगी आर माइनस डी अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ जी, ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी डेप्थ डी डेप्थ पर। अब एक चीज देखिए इसमें बहुत सारे स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस पहला स्पेशल केस है ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप अर्थ की रेडियस के बराबर चले गए, ये कौन थे श्रुति है जो ये लिखा हुआ ये हटाने को, ये श्रुति है ना, ये तो मेरी बहन ही है, इसको हटाइए जरा, ये तूने लिखा जो इसको बेटा नीचे वाले को जो तुमने लिखा ये वही लाइन को,
ये मैंने लिख लिया। अच्छा मैंने लिखी, चल ठीक है। ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो भैया अगर मैंने कह दिया इफ डेप्थ इक्वल्स टू मी रेडियस, मतलब समझे कि मैं अर्थ की रेडियस के बराबर डेप्थ में चला गया, मतलब कहाँ चला गया, एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ के सेंटर में चला गया तो क्या हुआ, तो उस अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, आर माइनस जी की वैल्यू किसके बराबर है, आर के अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ जी, इक्वल्स टू में 0। मतलब अर्थ के सेंटर में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी नहीं, मतलब जी नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी। ठीक है इसे कहते हैं स्टैंड। यहां पर आपका वेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर अगर आप वेट देखोगे अपना, वेट क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा आपका सेंटर पे अर्थ के, और यहां पर आपको वेटलेसनेस का अनुभव होगा कि आपका कोई वजन ही नहीं। आपने कब वो देखिए द जर्नी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इसमें देखिए देखना, तो यही कंसेप्ट है उसको। वो ऐसी घूमने जाते हैं तो वहां पर एक जंगल में क्या मिलता है, वो मिलती है माइन, मिलती है माइन में उतरते फिसल जाता है पैर, सीधा जाके सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाते हैं। सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई जा नहीं सकता क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अर्थ की सर ओ सन की सर्फेस जितना होता है, लेकिन वो तो मूवी है भैया, वहां पर तो डायनासोर भी होते हैं। ठीक है ये देखो अर्थ का सेंटर है। चलो केस नंबर टू देखिए भैया, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कई बार ऐसा रहता है कितनी परसेंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आया। ठीक है परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया ये निकालेंगे कैसे, तो भैया इसे ध्यान रखना इसका कोई, देखिए अगर आप चेंज निकालना चाहते हो ग्रेविटी के अंदर, परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में क्या हुआ 100। ठीक है ये परसेंटेज चेंज होता है, और चेंज हमेशा निकाला जाता है ज्यादा माइनस कम, चाहे इनिशियल ज्यादा हो चाहे फाइनल ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा कौन सी ग्रेविटी होगी, भैया सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो होती है वो सर्फेस पे होती है, आपको बता दूं मैक्सिमम होती है सर्फेस पे, मैक्सिमम अर्थ की सर्फेस पे। चलो निकालते हैं भैया सबसे ज्यादा कहां पर है, ए पॉइंट पर, फिर कहां पर है बी पर निकालना चाह रहे हो आप। ठीक है यहां पर ए पॉइंट आएगा गुणे में क्या होगा 100, चलो ए पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखिए, ए पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, बी पॉइंट की क्या है आर माइनस डी अपॉन में आर इंटू में जी अपॉन में क्या हुआ जी गुणे में क्या आ गया 100। ठीक है तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भैया जी जी कॉमन ले लिए, कॉमन आ गया 1 माइनस आर माइनस डी अपॉन में आर अपॉन में जी गुणे में क्या हो गया, जी से जी क्या हुआ कैंसिल हो गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो क्या हुआ आर माइनस आर प्लस डी, ठीक है आर माइनस आर प्लस डी हो जाएगा अपॉन में क्या हुआ आर गुणे में क्या हुआ, तो आर से आर कैंसिल हो गया। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सीधा क्या करूंगा, डी अपॉन में आर गुणे में 100। अगर आप 64 किलोमीटर नीचे आ गए, 64 किलोमीटर नीचे आ गए तो कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो 64 डेप्थ कितनी है 64, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 64 100 गुणे में 100, तो 64 अपॉन में 64 100 इंटू में 100, तो कितना आएगा 1% का चेंज आएगा, कितना आ जाएगा, अगर आप नहीं समझा अब 64 अपॉन में 64 गुणे में 100 कितना होगा 1% होगा। ठीक है समझ गए, तो ये परसेंटेज ही निकालना। अब देखिए सुन लीजिए समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो डी इंटू में आर डी अपॉन में आर इंटू में 100 क्या होता है कि आप कितने डेप्थ पे हो कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक अब आ रहा है वेरिएशन जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से आपके जी के अंदर वेरिएशन निकालते हैं। ठीक है अब देखिए इसके आने की संभावना 100%, ठीक है ये 100% आएगा, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।
वेरिएशन जी ड्यू टू हाइट कर रहे हम जी, हाइट की वजह से क्या वेरिएशन आएगी? तो पहले हम अर्थ की सरफेस पे थे, एक पॉइंट पर, दूरी कितनी थी आर, सेंटर ए पॉइंट पर, इतना मार बोलना सुअर, ठीक है। एम क्या है? मास ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मास क्या है? आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, प्लेनेट लिख दो, स्फीयर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लो, इस वाले पॉइंट पर है। तो जी है इक्वल्स टू में जी मास अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये होगी पहली इक्वेशन, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें मास चेंज होता था, इसीलिए हम वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी कर रहे थे, यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलेगा भैया एच हाइट पर, जमीन से कितनी हाइट पर चले गए? बी पॉइंट, यहां पर निकालते भी है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू, जमीन से कितनी है और यहां पर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी कितना होगा भैया बताइए? जी बी इक्वल्स टू में जी मास अपॉन में आर प्लस एच, क्योंकि मास तो वही है ना, मास तो वही रहेगा, अर्थ का मास थोड़ा चेंज होगा, स्क्वायर, ठीक है। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, एच क्या? हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम दी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी एच है? कई बच्चे अभी बुराड़ी स्कूल, क्या स्कूल में गए ना, है ना, कितने जाहिल और घटिया बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करेंगे स्कूल जा, कुछ नहीं होता स्कूल में, 100 बार मना किया भाई स्कूल में जाकर बेटा पानी पीला पहले, छोड़ मरण दे को स्कूल जान दो, हमारा क्या रहा, मना किया फिर भी स्कूल में एक पीरियड लगता होगा, गारंटी है मेरी, और लगता भी होगा तो समझ नहीं आता होगा, चलो दो बोतल ला देंगे तू, अच्छे काम, ठीक है। तो भैया देखिए, अब इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हुआ? सेकंड बाय फर्स्ट करो, ठीक है। जी बी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू, बेटा ध्यान दीजिए, ये क्या होगा? जी बी की वैल्यू क्या? जी एम अपॉन में आर प्लस, और जब ये नीचे वाले टर्म डिवाइड करोगे ना तो उसको उल्टा कर देना, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, आर और जी एम कोई दिक्कत तो नहीं है, वो नीचे ये वाले टर्म को जो डिवाइड करे इसको इससे डिवाइड किया तो ये उल्टा कर दिया, वाले डिवाइड ही हो गया, जी एम से जी एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया, जी बी अपॉन में जी ए इक्वल्स में क्या हुआ? आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं तो सबको पता है अभी आपको कि जी ए जो होता है वो जी के बराबर होता है, देन जी बी इक्वल्स टू में आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में क्या हुआ? जी, न्यूमेरिकल के लिए है ये, केवल न्यूमेरिकल के लिए है क्योंकि डेरिवेशन भी खत्म नहीं है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ओनली फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी डेरिवेशन चलेगी तो डेरिवेशन यहां से बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है। जी बी अपॉन में जी और ये आर स्क्वायर, यहां से मैं आर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, अंदर से, तो आर जब कॉमन आएगा इसका स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा? आर स्क्वायर, यहां पर आर था इसलिए क्या हुआ? वन आ गया, लेकिन यहां पर आर नहीं था तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा? आर। एक्चुअल में हम करते क्या, जहां पर नहीं होता ना मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला क्या होता, बाहर आता है, केवल क्या बचता है? डिवाइड वाला, तो वो लिखते तो है नहीं, अब छोटे बच्चे तो हो नहीं,
वन माइन वन प्लस एच वाई में आर का होल स्क्वायर, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। जब ये पूरी जाएगी टर्म ऊपर तो वन माइन वन प्लस एच अपॉन में आर की पावर माइनस टू हो जाएगी, क्या जाएगी? अब इसको ऊपर ले आओ तो माइनस टू जाएगी पावर ना। अब एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल नोमियल इंडेक्स थ्योरम। क्या कहती है? वन प्लस एक्स की पावर अगर एन रहती है, वन प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स, ठीक है, वन प्लस एन की वन प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो उसको लिखो वन प्लस एन एक्स, ठीक है भैया। तो यहां पर क्या इसकी पावर क्या है माइनस टू, तो उसको लिखोगे आप इस थ्योरम के हिसाब से वन माइनस टू एच अपॉन में आर, कोई दिक्कत नहीं है भैया, किसी को दिक्कत? पावर एज इट इज के साथ, ऐसे एक्स है ना तो एक्स के साथ एन की मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाता है ना। वैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर, जो माइनस टू था उसको एच के साथ मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जी बी अपॉन में जी इक्वल्स टू वन माइनस टू एच अपॉन में आर, हो गया। तो जी बी इक्वल्स में क्या हुआ वन माइनस टू एच अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ, यहां तक डेरिवेशन है, ठीक है। अब लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज जी के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना, कैसे निकालेंगे? चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में ओरिजिनल, जो कि क्या है ए पॉइंट पर है, इनटू में क्या है, तो चेंज कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे होती है, नीचे जाओ तब भी कम हो जाएगी, ऊपर जाओगे तब भी कम हो जाएगी। तो जी ए माइनस जी बी अपॉन में जी ए गुणे में क्या हुआ, जी ए क्या है बेटा, जी माइनस ये क्या होगा वन माइनस टू एच अपॉन में आर इंटू में जी, भाई पीछे निकाला था मैंने ये जी गुणे में क्या हुआ सर, है ना। अभी हमने क्या किया जी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये ऊपर क्या बचेगा वन माइनस टू एच अपॉन में आर अपॉन में क्या हुआ गुड़े में जी से जी क्या हुआ कैंसिल हो गया, माइनस वन की बड़ी माइनस हो गया यार प्लस हो गया, तो इसमें लिखोगे वन माइनस वन प्लस टू एच अपॉन में आर, ठीक है, और ये क्या हुआ गुड़े में वन से वन कैंसिल हो गया टू एच अपॉन में आर गुड़े में। आपको परसेंटेज चेंज जी निकालना है, आप 64 किलोमीटर ऊपर से ले आओ, कितने चले आओ 64 किलोमीटर ऊपर से जाओ, बोले कितने परसेंट का जी का चेंज आया, तो भैया एच क्या होगा 64 किलोमीटर, 64 गुणे में 2 128, 128 से रेडियस क्या होती है 6400, कटेगा पीटेगा आपका आंसर कितना आएगा भैया 2%, कितना आएगा 2% चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी एट हाइट एंड डेप्थ, कह रहा भैया कि क्या रिलेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट में और डेप्थ में। तो मैंने मान लिया इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, दोनों बराबर है, मैंने क्या मान लिया कि दोनों ही क्या है बराबर है, तो डेप्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपको याद है, जी डी माइनस आर सॉरी आर माइनस डी, आर माइनस डी अपॉन में आर था, और हाइट क्या था जी क्या था याद है ना वन माइनस टू एच अपॉन में जी से जी क्या हुआ, ठीक है भैया आर माइनस डी अपॉन में आर, आर माइनस टू एच अपॉन में आर, आर से आर भी क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आर माइनस डी इक्वल्स टू में आर माइनस टू एच, ओहो
आर से आर फिर कैंसिल हो गया, माइनस डी इक्वल्स में टू एच, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, डी इक्वल्स में टू एच, मतलब समझे। आप चाहते हो कि वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको डेप्थ में मिले और वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको हाइट में मिले। मान लीजिए आप क्या आ रहे हो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में आपका दोस्त चला गया डेप्थ में, कितना चला गया 4 किलोमीटर, कहाँ चला गया, कह रहा है यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, तू ऊपर जा और बता कितना ऊपर जाके बता रहा है कि वहां पर भी मेरी इतनी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, तो यहां का एक्सीलरेशन ड्यू ग्रेविटी क्या जी बनाई है, तो एच पॉइंट पर जो होगी वो क्या होगी 2 किलोमीटर, क्या होगा देन सेम उस यही है ग्रेविटी जो उसको मिली है, वही ग्रेविटी उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ मिलेगी, यहां पर 1, 2, 4, 2h, तो h की वैल्यू क्या होगी 2 किलोमीटर। मतलब जमीन से आप 2 किलोमीटर ऊपर जाओ और जमीन के अंदर 4 किलोमीटर नीचे आओ, दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगी, सेम है। जमीन से जमीन के अंदर आप 20 किलोमीटर नीचे जाओ और हाइट पे आप 10 किलोमीटर ऊपर जाओ, दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खास टॉपिक है, ठीक है, काफी ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या टॉपिक कराना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको आई से लिखते हैं। होती क्या भी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आई से लिखते हैं, उसको होती क्या एक्चुअली, सुन लीजिएगा। देखिए भैया, इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से कि इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट किसी भी चीज को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींच रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर कोई प्लैनेट किसी उसी चीज को बहुत स्लोली खींच रहा है, यानी उस चीज का उस प्लैनेट पे गिरने का रेट क्या बहुत कम है, तो इसका मतलब उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कम है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है भैया, तो पुलिंग कैपेसिटी, पुलिंग कैपेसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, पुलिंग कैपेसिटी ऑफ प्लैनेट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कह रहा किसी प्लैनेट की पुलिंग कैपेसिटी, किसी चीज को खींचने की कैपेसिटी को उसी को कहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नोट में ध्यान लेना कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू पुलिंग कैपेसिटी। अगर कोई प्लैनेट किसी चीज को ज्यादा तेज से खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर उसकी पुलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है भैया, तो बाय ऑब्जर्व, ये प्लैनेट है, इसका मास एम है, इसकी रेडियस आर, एक ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ गिर रहा है, जी सर, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया ये जो गिरने का रेट है इसका, ये ज्यादा देखिए इसका एक्सीलरेशन क्या है, ए, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, फोर्स अपॉन में इसका मास क्या होगा। अगर इसके गिरने का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा इसकी तरफ, तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर इसका गिरने का एक्सीलरेशन यानी कम होगा ये, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, यहां पे ज्यादा देखना कि ए ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लैनेट ज्यादा, और आपका एक कम रहेगा,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लैनेट कम रहेगा, ठीक है। अगर किसी एक, इसका किसका एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट है ये, क्या है ये, इसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रहेगा प्लैनेट की तरफ उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इसका एक्सेलरेशन जितना कम रहेगा गिरने का उतने ही इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, दोनों के बीच में भी सेंटर के बीच में दूरी कितनी है, आर है, क्या है, ठीक है भैया, आर है। तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, एम, एम से एम कैंसिल हो गया, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक भैया। ए जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, इसका मतलब हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ही क्या, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के गिरने का जो एक्सेलरेशन है वही क्या है, प्लैनेट की इंटेंसिटी की, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के गिरने का एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लैनेट की तरफ ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी प्लैनेट की क्या होगी, ज्यादा। और अगर ऑब्जेक्ट का गिरने का एक्सेलरेशन कम होगा प्लैनेट की तरफ, तो इसका मतलब उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर आते हैं भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, होता क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम आपको मैंने बता रखा है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया कार्य क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रॉम सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में ले आने में जितना भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ मास एम फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। एक मास है एम जिसको मैं कहां से आ रहा हूं, आर से कहां ले आ रहा हूं, इंफिनिटी पर, आर से कहां ले आ रहा हूं, आर क्या है, अर्थ की सरफेस है, प्लैनेट की सरफेस है, और कहां ले आ रहे हैं मेरे को, इंफिनिटी ले आ रहे। तो ये आपका भैया एम प्लैनेट है, इसकी सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या एम है, आपको इसको उठा के ले आना है, कहाँ ले आना है, इन्फिनिटी पर, कहाँ ले आना है, ये अभी यहाँ पे था, आर पे था, आर से कहाँ ले आना है इसको, इन्फिनिटी पे, अभी ये यहां पर पहुंचा है, अभी यहां पर ये पहुंचे, इसका मास क्या है, दूरी कितनी है दोनों के सेंटर के बीच की, एक्स है, क्या है, एक्स, ठीक है। तो आपको पता है जो इस वाले मास को इधर एक फोर्स खींच रहा होगा, कितने फोर्स से खींच रहा होगा ये वाला मास, ये प्लैनेट इस वाले मास को, इसका मास स्मॉल एम है, इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा होगा, तो जी कैपिटल एम अपॉन में दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर होगी, एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसके अगेंस्ट में वर्क करना, मतलब मुझे यहां पर अप्लाइड, ऐसा अप्लाइड फोर्स लगाना है, और इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके अराउंड चाहिए, इसी के अराउंड चाहिए। फिजिक्स में मैंने बताया था हमेशा जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा वो अपोजिट लगने वाले फोर्स के बराबर ही लेना आपको, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम बराबर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो आपका अप्लाइड फोर्स रहेगा वो एफ के बराबर ही रहेगा, ठीक है, एफ की वैल्यू आपको पता है जी, ठीक है। तो वर्क एट एनी इंस्टेंट, वर्क एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, डी डब्ल्यू, आपको याद है ना, इंस्टेंट अगर डी डब्ल्यू होता है वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स इनटू में इस इंस्टेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो भैया मान लीजिए इस इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लिखते हैं डी एक्स, क्या लिखते हैं, तो वर्क क्या हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डी एक्स, कौन सा फोर्स है ये, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में
एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हुआ डी एक्स, ये वर्क हुआ इस वाले इंस्टेंट पर। अभी आप कहां से काम ले रहे हैं, आपको यहां से स्टार्ट करना और यहां से यहां तक ले आना, इसको कुल वर्क निकालना। कुल वर्क निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट करो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी सॉरी आर टू इंफिनिटी, आर से लेके कहां ले आना है इंफिनिटी, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई, ये क्या हुआ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पर ले स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट कहां से किया था ये जर्नी, आर से, और कहां तक ले आना मुझे सरफेस पे, एक्स की वैल्यू क्या है सरफेस पे, एक्स की वैल्यू है यहां पर सरफेस पे, एक्स की वैल्यू कितनी है आर, ठीक है। यहां पर कितनी है, कहां पे ले आना आपको, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए इन्फिनिटी, तो यानी आपकी जो एक्स की वैल्यू है लिमिट है वो आर से कहां तक है इन्फिनिटी तक, ऐसे आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या रूल कहता है, जी एम स्मॉल एम ठीक है, पावर जो है इसकी पावर नीचे ऊपर ऊपर आएगी तो क्या होगा माइनस होगा डीएक्स, और ये क्या होगा आर से लेके इंफिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं बना। तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन रूल क्या कहता है भैया, जितनी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, सॉरी एक जोड़ दो, और वही पावर से क्या करो माइनस कर दो आर से लेके इंफिनिटी, ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर गलती होगी कि यहां पर जो आपके यहां पर माइनस आएगा क्या आएगा पता है क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो इसके क्या है अपोजिट है, तो इधर भी माइनस आना चाहिए, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, यार टाइम खत्म हो गया और माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है भैया ये हो जाएगा प्लस वन। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन में माइनस वन, और ये क्या हुआ और आर से लेके इन्फिनिटिव, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हुआ, हाँ अबे इतने में तो यार अभी तुम्हें पेलूंगा अभी ढंग के, एक्स की पावर पॉजिटिव पर निकलेगा ना नीचे लाओ और लिख लो इन्फिनिटी से लेके आर, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, यार इसके बाद मैं कल ही सॉल्व कराता हूँ।